तू रहे मेरे नाल कुड़े। हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है टेक्नो राही। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्लो मोशन करने का बिल्कुल सही तरीका और जो काफ़ी परफेक्ट लगे। जैसा कि दोस्तों आपने स्टार्टिंग में जो वीडियो देखा, इस तरीके के वीडियो दोस्तों आप भी काफ़ी आसानी से बना सकते हो, वो भी अपने प्रीमियर प्रो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे दोस्तों इसको ओके कर देते हैं। एप्लीकेशन दोस्तों ओपन होने के बाद हमें सबसे पहले एक वीडियो लेना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है एक वीडियो। आप अपना कोई सा भी वीडियो यहाँ पे ले सकते हो जिसको आपको स्लो मोशन करना है। यहाँ पे दोस्तों मैं ये वाला वीडियो ले लेता हूँ और इसका वहाँ से दोस्तों मैं इसको काट देता हूँ जहाँ से मुझे स्लो मोशन करना है। यहाँ तक सही है, तो इसको दोस्तों यहाँ तक लेके मैं इसको सिक्वेंस में यहाँ नीचे लेके आ जाता हूँ। इसको थोड़ा जूम करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं सिंगल विंडो खोल लेता हूँ ताकि हमें यहाँ पे काम करने में आसानी हो, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। राइट क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे सबसे नीचे वाले ऑप्शन में हमें जाना है टाइम रीमैपिंग में। ये वाला शो क्लिप में मिलेगा आपको ये वाला टाइम रीमैपिंग। अब दोस्तों आपको उस जगह में आपको यहाँ पे मार्क देना है जहाँ से आप स्लो करना चाहते हो। जैसे कि दोस्तों मैं थोड़ा आगे करके एक सेकेंड स्टार्टिंग चालू करके देखते हैं। अब दोस्तों आपको वहां पे कंट्रोल और क्लिक करना है जहां से आप वीडियो को स्लो करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहां पे कंट्रोल और क्लिक करके एक मार्क लगा देता हूं, और दूसरा वाला दोस्तों मार्क वहां लगाना है जहां तक आपको स्लो मोशन चाहिए। जैसे कि मुझे यहां तक चाहिए, तो मैं कंट्रोल क्लिक कर दूंगा तो दूसरा मार्क यहां पे आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना। अब नीचे वाले हिस्से का आपको दोस्तों नीचे की तरफ खींचना है, तो ये बीच की तरफ पूरा इसका हिस्सा स्लो हो जाएगा। थोड़ा सा और खींच के देखते हैं। बस दोस्तों यहाँ तक का काम हो चुका है। एक बार दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से चालू करके देखते हैं कि ये कैसा बना है। इसके बाद भी दोस्तों हमारा काफ़ी काम रहता है, एक बार यहाँ से चेक करके देखते हैं। स्लो तो दोस्तों हो गया, लेकिन इसमें अभी काफ़ी कमी दिख रही है। दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे मार्क लगाया था इसको थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं ताकि झटका ना लगे स्लो मोशन होने में। जैसे कि ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, दूसरे वाले जगह में भी जाके हमें यही काम करना है। इसको भी दोस्तों थोड़ा सा हम लिटा देंगे ताकि जब स्लो मोशन हटे तो थोड़ा झटका ना लगे। ठीक है, ये भी हो गया है। इसके बाद दोस्तों हमें एक छोटा सा काम करना है, जहाँ पे हमने मार्क लगाया था दोस्तों इसमें ये ब्लू जो निशान आ रहा है इसको भी हमें उसी डायरेक्शन में ले जाना है जहाँ पे हमारा स्लो मोशन वाला लाइन है। दूसरे वाले में दोस्तों वही काम करना है। इससे दोस्तों क्या होता है, सॉफ्टनेस आ जाती है थोड़ी स्लो मोशन में, और वीडियो काफ़ी अच्छा निखरा हुआ सा लगता है। इसको भी दोस्तों हम बिल्कुल वैसा ही कर देते हैं। ठीक है, एक बार दोस्तों और चला के देखते हैं। दोस्तों बातचीत अभी भी नहीं आई है। इसके बाद भी दोस्तों आपको छोटा सा काम करना है जो मेन काम है। आपको दोस्तों क्लिप में राइट क्लिक करना है, और दोस्तों यहाँ पे आपको टाइम इंटरपोलेशन में जाना है, और यहाँ पे आपको ऑप्टिकल फ्लॉ करना है। ऑप्टिकल फ्लॉ करने के बाद दोस्तों आपको इसको सिंपली क्लिक करके या एंटर करके रेंडिंग कर देना है। आपको रेंडिंग करने में दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद दोस्तों बातचीत आ जाएगी आपके स्लो मोशन के वीडियो में। और दोस्तों ये रेंडरिंग लगभग हो चुकी है, और आपको एक बार फुल स्क्रीन में दिखाता हूँ किस तरीके से दोस्तों ये हमारा स्लो मोशन हुआ है। दोस्तों अगली बार आप जब भी स्लो मोशन वीडियो कोई बनाना तो इसी मेथड से बनाना, आपका जो वीडियो है काफ़ी निखरा हुआ सा लगेगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आने पर दोस्तों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।